नमस्कार, मैं राकेश दिवाकर और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं इस समय आया हूँ आगरा के गोपालपुरा क्षेत्र में। यहाँ सुना है कि माननीय अखिलेश जी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, ये बैनर लगा हुआ है भारत जोड़ो यात्रा का। राहुल गांधी और आपके माननीय अखिलेश जी का आगमन है आगरे में। तो श्रीमान, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और बताइए किस तरह का कार्यक्रम है। मेरा नाम वफादी शाह है, मैं समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं और समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का शहर का अध्यक्ष हूं। और ये हमारा जो प्रोग्राम रखा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश द्वारा रखा गया है, जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर जो निकले हैं उनके स्वागत समारोह के लिए हमने ये मंच तैयार किया है, समस्त अपने कार्यकर्ताओं के बीच। और बाकी जैसा भी और आगे आदेश मिलता रहेगा, जैसे ही हम अपना काम करते रहेंगे पार्टी के लिए। हमारा जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन हम ये चाहते हैं वो अटूट तरीके से गठबंधन रहे और हम जीतें और हमारी सरकार बने। और जब हम सरकार में आएंगे तो हमारे नेता अखिलेश यादव आगे बहुत बड़े नेता साबित होंगे और हम आगे देश का प्रधानमंत्री के लिए, अभी कोई फाइनल नहीं है किसी भी तरीके का किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं उसी तरीके से हम उसी हिसाब से हम देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जैसा कि देखने को मिला यहाँ पर एक जोश दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी के सब जितने भी जो वरिष्ठ नेता हैं, आप देख सकते हैं किस तरह की गैदरेशन दिखाई दे रही है यहाँ लेडीजों की और कितना उत्साह दिखाई दे रहा है लेडीजों में। समाजवादी पार्टी की जो लेडीज हैं, एक जन समूह सा आप देख सकते हैं सैलाब लेडीजों का इस गैदरेशन से लगता है कि वास्तव में महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है समाजवादी पार्टी के फेवर में। मैं रूबरू होना चाहूँगा, देख सकते हैं ये जी। मैडम, अपने परिचय अपने नाम के साथ बताइए किस तरह का आयोजन है और यहाँ राहुल गांधी और माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं आगमन है, तो आपने किस तरह का यहाँ आयोजन कर रहे हैं। मेरा नाम श्रीमती कुसुमता यादव है, मैं बैला तवा के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की। आपको मैं बता दूं, ये इंडिया गठबंधन है पीडीए का नाम पर, अभी बात एकजुट मतदान है हमारा। और हमारी इस समय जो यात्रा निकल रही है, हमारी इस समय हमारी महिलाएं इतना उत्सव बढ़ा रही हैं, नाच गाना उस तरीके से कर रही हैं कि कब आए हम, कब देखें कि पीडीए का एकजुट हो चुके हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है हमारी महिलाओं को और बहुत उत्सव भी बढ़ा रही हैं। तभी अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे हमारी सभी महिलाओं के हाथों में फूल की वो जुट होगा और हमारे माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे राहुल गांधी जी आएंगे तो उन पर फूल परताए जाएंगे हमारी सारी महिलाएं। ठीक, धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा उधर की तरफ भी कैमरे को दिखा दें, आप देख सकते हैं कितनी लेडीज हैं, पूरा जन समूह देख सकते हैं आप, एक जन समूह उमड़ के आया है लेडीजों का। इसमें पीडीए को वोट दे और जो पीडीए का जो भी कैंडिडेट हो, जब समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का जो भी घटक दल में जुड़े हुए उनका कोई भी कैंडिडेट आता है, हम लोग उनको वोट देने का काम करेंगे, उनको जिताने का काम करेंगे, तानाशाही सरकार को उठाने का काम करेंगे। हम जल दावेदार, इस समय आपको क्या लग रहा है दावेदार कौन हो सकता है पीएम पद के लिए? पीएम पद के लिए हमारे यहाँ बहुत युवक विभाग के जो हमारे यहाँ जो है नेता योग्य है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, देखिए बहुत तौर उनको जवाब देते हैं, एक एक कान जो कत्तूस है उनको खोल के नहीं रखते हैं। राहुल गांधी कितना सीनियर नेता है, तमाम लोग जो है ऐसे लोग हैं कि तमाम हमारे पीडीए में तमाम योग्य नेता है, इनके अंदर कोई नहीं है, इनके अंदर एक तो ये लोग शादीशुदा नहीं है, निश्चित रूप से जो आदमी शादीशुदा होता है जिनके बालक होते हैं बच्चे होते हैं उनको बच्चों का दर्द होता है, उनको बच्चों का जो वो दर्द समझते हैं, ये लोग बिना संतान वाले आज हमारे लोगों को इसलिए परेशानी हो रही है। आज कोई संतान द्वारा इस गति का बैठा होता तो तब लोग को ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते, किसानों को ये दिन देखने के लिए मिलते, छात्रों को ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते, तो इनके आने पीछे कोई नहीं है, ये तो कह देते हैं। इसमें परिवार बनाने के लिए निश्चित रूप से कुछ सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। आज छात्र परेशान है, नौजवान फिर युवाओं तमाम छात्र लोग खड़े हुए हैं, आज का जन सैलाब है, इतनी भीड़ कभी नहीं इकट्ठी होती। आज मनुरा चौराहे पे हजारों हजारों की तादाद में महिला आप घर छोड़ के नहीं खड़ी है, पुरुष जो खड़े घर छोड़ कर खड़े हुए तमाम हमारे, ये देखिए ये सैनिक है, ये सैनिक वोटर का लड़का है, वो इनने जो है देश की सेवा करी है,
आज जो हंसो जरूर है, इन्हें पता है ना गर्व बताए देश की रक्षा की है, लेकिन सरकार को संवेदन है। हमारे रक्षा मंत्री मनोहर सिंह यादव जी से धरती पुत्र स्वर्गीय मनोहर सिंह यादव ने डेड बॉडी पहुंचाने का जो हमारे सैनिकों का काम किया था, इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे उपलब्धि से लोग कह सके कि सरकार ने अच्छा काम किया। अभी लोगों के सामने कितनी तानाशाही हो रही है, गोलियां बरसा जा रही है, बॉर्डर पर रोका जा रहा, उनकी बात सुनने के लिए सरकार बिल्कुल कतई तैयार नहीं है। इसलिए ऐसी तानाशाही सरकार को हम लोग सब इकट्ठे होकर नए पीडीओ खा के देखेगा, निश्चित रूप से खा के देखेगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।